हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। स्मोक के बाइस पंजाब में हर एक घंटे बाद एक घंटे की लोड शेडिंग आवाम के लिए दर्दे सर बन गई। शहरी सख्त अजियत में मुबतला सूबे में बिजली की फराहमी मामूल पर आ चुकी, लोड शेडिंग सिफर हो चुकी, वजारते पानी और बिजली का दावा। पंजाब में आलूदा धुंध ने रास्ते आज भी धुंधला दिए। मोटरवे M3 और M2 ट्रैफिक के लिए बंद रहा। लाहौर, मुल्तान और फैसलाबाद एयरपोर्ट वाजे ताखीर का शिकार हुई। ट्रैफिक हादसात में 3 अफराद जां बहक और दर्जनों जख्मी हो गए। फैसलाबाद के मदरसे में 8 साल बच्चे रमजान के कत्ल का मामला हल, कातिल साथी तालिबे इल्म निकला। 16 साल मुलजिम रिजवान ने रमजान को रेप के बाद बेहोश करके कत्ल किया, पुलिस की तफ्तीश में इंकशाफ। हमें तय करना होगा कि पार्लियामेंट सुप्रीम है या कोई और। गैर आईनी अमल की बात सुनता हूं तो दिल खून के आंसू रोता है। दूसरों के कामों में गैर आईनी मुदाखलत ना की जाए, चेयरमैन सेनेट रजा रब्बानी का कराची में सेमिनार से खिताब। Similarly, the 18th Amendment is an antithesis to what the establishment wants the state to be. I request you all to remain calm and support your armed forces. Pakistan is on the verge of destabilization. Therefore, I had to take this action in order to preserve डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन। आईन तोड़ने वाले साबिक आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ को तो माफ किया जा सकता है, लेकिन नवाज शरीफ का जुर्म नाकाबले माफी है। तहरीके इंसाफ के रहनुमा नईमुल हक की आज जूस के प्रोग्राम जीप और गरीदा में गुफ्तगू। कहा मुशर्रफ को सजा ना देने के जिम्मेदार भी नवाज शरीफ ही है। फैसलाबाद के एक घर से खातून और उसकी दो बेटियों की लाशें बरामद। पुलिस ने शौहर को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। मेरी गाड़ी को ओवरटेक क्यों किया? मीरपुर आजाद कश्मीर में कार सवार आपे से बाहर मार मार के मोटरसाइकिल सवार की जान ले ली, लवाहिकीन का एहतजाज। नाम निहाद गैरत के नाम पर दो जिंदगियों के चिराग गुल। फैसलाबाद के नवाही इलाके पीर महल में लड़की और लड़के से जीने का हक छीन लिया गया, पुलिस ने लाशें तहवील में ले ली। सरगोधा में जहरीली शराब पीने से 2 अफराद हलाक हो गए, एक तश्वीशनाक हालत में अस्पताल दाखिल। फैसलाबाद में सरकारी अस्पतालों की निजकारी के खिलाफ पैरामेडिकल स्टाफ ने फिर खाम छोड़ दिया। एलाइट सिविल और जनरल अस्पताल में ओपीडीज बंद, मरीज लाचार। सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाली खबर पख्तूनख्वा की पहली बॉक्सर सूफिया जावेद तहरीक इंसाफ के होम ग्राउंड पेशावर में ही प्रैक्टिस की बुनियादी सहूलियात से महरूम। कहती हैं सहूलियात तो दूर की बात, मुझे तो कयूम स्टेडियम में प्रैक्टिस की इजाजत भी नहीं है। मैं चाहती हूं कि मैं उसमें अपने दोबारा से पाकिस्तान को जो है रिप्रेजेंट करूँ और पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने के लिए मेरी सिलेक्शन हो और मैं जाऊँ।